अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। एक बार गिवन पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 50%, 30% एंड 20%। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में दे रखी है। हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 5:3:2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन कहता है, बी रिटायर्स एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन एटसेट्रा, देयर कैपिटल स्टूड एट 190। अब तीनों की हमें कैपिटल दी हुई है, कैपिटल गिवन है हमें ए बी और सी की, 1,90,000, एंड दिस इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद है, रिवेल्यूएशन हो गया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर तो हो गया, गुडविल हो गया, सारी चीजें लिखी भी है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि इन सब के बाद है ये 1,90,000, 1,50,000 एंड दिस इज 80,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये तीनों की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आगे क्वेश्चन कहता है, इट इज डिसाइडेड दैट एंटायर सम पेएबल टू बी इज टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच ए वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है बी तो रिटायर हो रहा है, बी जो है ये रिटायर हो रहा है, और इसको देने के लिए जो पैसा लेकर आना है वो ए और बी, ए और सी लेकर आएंगे। किस रेशियो में लाएंगे? कहता है ऐसे लेकर आएंगे कि ये इनकी नई जो टोटल कैपिटल आएगी लाने के बाद, क्योंकि लाना देखो तय है 1,50,000, इन दोनों को लाना है, ए और सी को। कैसे लाना है? ये कहता है ऐसे लेके आए कि जो उनकी कैपिटल है, नई कैपिटल, वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ें। आगे कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी एंड पास एंट्रीज फॉर द सेम, ऑल्सो पास एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट टू बी। तो हमें वो जो पैसा लेकर आएंगे उसके लिए एंट्री पास करनी है, और जो बी को हम पेमेंट करेंगे उसके लिए भी जनरल एंट्री हमें करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ने एक चीज नहीं कही है हमें कि इनकी ए और सी की न्यू रेशियो क्या होगी। तो न्यू रेशियो हम क्या मान लेंगे, 5:3, क्योंकि और कोई नई रेशियो उन्होंने बताई नहीं है। चलिए तो सॉल्यूशन पर आते हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो ये देखिए आप, इन तीनों का मुझे टोटल करके बताइए, इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना आता है। हाँ जी, टोटल करके बताइए मुझे कितना आ रहा है, 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। इसे हम अलग तरीके से करते हैं, 4,20,000 टोटल कैपिटल है। अब देखिए बी तो जा रहा है, बी के जाने के बाद भी इन लोगों को पैसे तो लेकर ही आने हैं, किसे देने के लिए, बी को, कितने, 1,50,000 लेकर आने हैं। तो क्यों ना इसी को, इस टोटल कैपिटल जो इंक्लूडिंग बी है, इसी को न्यू कैपिटल मान लिया जाए। न्यू कैपिटल मान लेते तो अपने आप इसमें 1,50,000 रुपए आ रखे हैं, और इस न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया जाए तो वो क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल। फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, अपने आप आ जाएगा कितना कैश वो ला रहे हैं या ले जा रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में वर्किंग नोट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल इन न्यू पीएसआर, दैट इज 5:2, 5:2 नई पीएसआर है इनकी। चलिए तो इसके हिसाब से ए का शेयर कितना होगा, भाई ये टोटल कैपिटल यही है, ठीक है, 4,20,000, 5 हिस्से देने हैं 7 में से, और सी को क्या देना है, 4,20,000 के 7 हिस्से कीजिए और 2 हिस्से इसको दे दीजिए। तो देखिए ये कितने पर गया, 6 पर, 6 × 5 यानी 60,000 हो गया ना। 4,20,000 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा, क्योंकि 42 कितने पे आता है, 7 × 6 42 आता है, तो 60,000 आ गया। अब 60 को 5 से गुना करो, 60,000 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ गया, 3,00,000 रुपए आ गए। ये न्यू कैपिटल आ गई किसकी, ये आ गई नई कैपिटल ए और सी की, ये ए की आई। अच्छा, इसका कितना आएगा, 60 × 2 यानी कि 1,20,000। तो देखिए हमारे पास नई कैपिटल आ गई, ठीक है। अच्छा, अब नई कैपिटल में से ओल्ड माइनस कर दें, अगर नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाऊं या इसी में कैरी ऑन कर सकते हैं, इसी में कर लें। तो देखिए यहां लिखता हूं, चलो अगला वर्किंग नोट बना लेते हैं,
वर्किंग नोट नंबर टू, अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, कितना कितना लाना है, कितना लाना है देखिए, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। अगर न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो तो अपने आप पता लग जाएगा कितना पैसा लेकर आना है। तो न्यू कैपिटल कितनी है, ए और सी। न्यू कैपिटल आ गई जनाब आपके पास 3 लाख और यहां पर है 1,20,000, और इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, 1,90,000 और यहां पर कितनी है, 80,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1,90,000, ये हो गया 1,10,000 लेकर आएगा ये इसका डिफरेंस, और इसके पास कितना आ गया 40,000। तो देखो अपने आप 1,50,000 रुपए ये लेकर आ रहे हैं, 1,50,000 ही तो चाहिए था, ये 1,50,000 लेकर आ गए इसी तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी कैपिटल को, टोटल कैपिटल को न्यू कैपिटल मान लिया, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, फिर दोनों का कंपैरिजन किया ओल्ड और न्यू का, तो अपने आप आ गया इतना ही कैश लेकर आना है। इसे आप कह सकते हैं कैश ब्रॉट इन। चलिए अब जो क्वेश्चन ने मांगा है उस पर आए, ये तो वर्किंग नोट थे जिसके लिए हमें चाहिए थे, तो वर्किंग नोट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन ने मांगी है जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल लिखते हैं। जर्नल में दो मांगा है उसने, एक तो जो कैश लेकर आएंगे ए और सी, और दूसरा जो बी को पेमेंट करनी है, दोनों की एंट्री मांगी है। पहला लेकर आते जो कैश लेकर आएंगे, ये कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना है, ए कितना लेकर आएगा 1,10,000, टू सीज कैपिटल, ये दोनों लेकर आए पैसा 40,000 रुपए। अच्छा, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 1,50,000 रुपए। इसे आपने क्या कह दिया, अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी बीइंग अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी टू पे ऑफ बी, भी लिख सकते थे आप इसे। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री पर आए, ये तो हुआ जो वो लेकर आए, अब हमने बी को पेमेंट भी किया फाइनली, उसकी एंट्री कर दें। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पे किया है, 1,50,000, नरेशन क्या आ गई, बीइंग बीज कैपिटल अकाउंट सेटल्ड, या बी बीइंग बीज ड्यूज सेटल्ड। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 49। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। आप इसे पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस। आप अगर हमें हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी वीडियोस में हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम YouTube पर भी एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस ही है, और अगर आप चाहें हमें Facebook पर फाइंड करना, तो Facebook पर भी एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, आप हमारी वीडियोस को YouTube पर देख सकते हैं एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से, और आप चाहें अगर Facebook पर सर्च करना, तो Facebook पर भी इसी नाम से हमारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन जो बतानी है आपको, नंबर वन इज, अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज आती हैं, सपोज हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया आपको या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, उसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। YouTube पर जब वीडियोस देखते हैं आप, नीचे कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं मुझे अपने डाउट्स और क्वेरीज के रिलेशन में,
मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूं। दिस इज 9261004x7। ठीक है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोगों के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक अलर्ट आ जाता है, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार आपको नए वीडियोस के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि हमने कोई नया वीडियो डाला है या नहीं डाला यूट्यूब पर, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आप लोगों को, दैट इज प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैंने रखा है। प्लेलिस्ट क्या है, देखिए जब हमारी वीडियोस को आप देखते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पर वीडियोस जब आप डायरेक्टली चैनल पर जाते हैं तो वीडियोस एक रैंडम ऑर्डर में मिलती हैं, कोई अरेंज ऑर्डर में नहीं है। अगर आपको क्लास 11th के लिए वीडियोस देखने हैं या 12th के लिए वीडियोस देखने हैं, 12th में भी चैप्टर वाइज वीडियोस देखने हैं, तो ऐसे वीडियोस आपको नहीं मिलते चैनल पर। तो आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में मिलेगा ऑर्डरली, जैसे फॉर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।